आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है इस चुनाव में। आज इसी मुद्दे पर जनता जनार्दन के बीच होगी सबसे बड़ी चर्चा। क्या बीच चुनाव में आम आदमी पार्टी पर ये जो थप्पड़ कांड है वो भारी पड़ रहा है? जो व्यक्ति की नैतिकता में पतन हो चुका हो कि बच्चे की कसम खा रहा हो, उससे मैं किसी भी झूठ की उम्मीद करता हूँ। ये देखिए गायत्री प्रजापति हैं, देखिए ये देखिए समाजवादी पार्टी से आते हैं, बाद में पता चुनाव हारने लगे अमेठी में, तो उन्हीं को पत्नी को लेके उनकी पत्नी को लेके वोट मांगते घूम रहे। इतनी नफरत, इतनी महिला विरोधी कोई पार्टी नहीं हुई है, सपा को पीछे छोड़ दिया। ये पार्टी जो प्रज्वल रेवन्ना को भगा दे देश से, जिसने 3000 महिलाओं का रेप किया, वो महिला सुरक्षा पर थोड़ी बात कर सकती है। औरत के कपड़े नहीं फटे इसलिए उसके साथ कुछ नहीं हुआ, इससे ज्यादा शर्मनाक, इससे ज्यादा निंदनीय, इससे ज्यादा निष्कर्ष कुछ हो नहीं सकता आजाद भारत के अंदर। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, और मैं हूं अमीश देवगन। लोकसभा चुनाव का अंतिम दौर आते आते दिल्ली का सियासी तापमान और मौसम का तापमान दोनों बहुत बहुत बढ़ गया है, और चुनावी गर्मी के बीच दिल्ली के सीएम हाउस में कथित थप्पड़ कांड ने सियासी पारा और चढ़ा दिया है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल के घर में उनके निजी सचिव ने मेरे साथ मारपीट की, और उस वक्त खुद अरविंद केजरीवाल भी उसी घर में मौजूद थे। वहीं अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए ऑपरेशन झाड़ू चला रखा है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली में जबरदस्त चुनावी कैंपेन भी हुआ है। हालांकि राहुल गांधी की सभा में केजरीवाल को न्योता ना मिलने पर बीजेपी ने चुटकी भी ले डाली है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के साथ दिखने से बच रही है, कट रही है। लेकिन आज का सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या थप्पड़ कांड आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है इस चुनाव में? आज इसी मुद्दे पर जनता जनार्दन के बीच मेरे युवा मित्रों, मेरे युवा साथियों के बीच होगी सबसे बड़ी चर्चा। दिल्ली का दरबार यानी दिल्ली दरबार में हो रहा है प्रचंड आर पार। अभिनंदन आपका। दिल्ली में चढ़ते सियासी तापमान के बीच सीएम हाउस का थप्पड़ कांड आम आदमी पार्टी पर रोज नई मुसीबत का बम फोड़ रहा है। जरा सुनिए स्वाति मालीवाल का ये ताजा बयान। मैं ड्राइंग रूम में थी, अरविंद जी घर पे थे, और मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर कोई आया नहीं। इस बयान के बाद बीजेपी ने आप पर हमलों की बौछार कर दी है। सवाल उठ रहा है कि केजरीवाल थप्पड़ कांड पर चुप क्यों हैं, और कांग्रेस समेत उनके तमाम सहयोगी दल इस मुद्दे से कन्नी क्यों काट रहे हैं? अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में महिला असुरक्षित है तो वो देश में महिला सुरक्षा पर टिप्पणी किस मुंह से कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल की चुप्पी ये स्पष्ट कर देती है अरविंद केजरीवाल पीड़ित महिला के साथ नहीं है, वो एक आरोपी के साथ खड़े हैं। वैसे सवाल केजरीवाल के बेल पर भी उठ चुका है। अरविंद केजरीवाल अपनी रैलियों में अक्सर कहते हैं कि 2 जून के बाद मैं जेल जाऊंगा नहीं जाऊंगा, ये तय करेंगे 4 जून के नतीजे। मेरी समझ उनको 1 जून को ही जानना है, सरेंडर करना है, तो 4 जून को तो वो जेल में ही होंगे। लेकिन आपने भी एक स्टेटमेंट दी कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट है। किसी भी व्यक्ति को अपने कामकाज के लिए इस तरह से इंटरिम बेल नहीं मिला है। केजरीवाल की बेल पर राहुल गांधी ने भी बयान दिया है। 2 चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुए और आदिवासी चीफ मिनिस्टर पहले जेल गया और आज तक नहीं निकला। नेशनल मीडिया सोरेन जी के बारे में बात ही नहीं करती। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि 22 दिन की बेल लेकर मिशन चुनाव में जुटे केजरीवाल और उनकी पार्टी पर थप्पड़ कांड भारी पड़ने वाला है। आज इसी मुद्दे पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और आज की सबसे बड़ी चर्चा चुनाव के बीचों बीच में किन 3 बड़े मुद्दों पर होगी?
चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी पर यह थप्पड़ कांड क्या भारी पड़ेगा, आज का पहला मुद्दा यह है। दूसरा मुद्दा है उम्मीदवारों के चयन में कार्यकर्ताओं की अनदेखी, कांग्रेस पे भारी पड़ेगी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से क्या बीजेपी की चुनौती बढ़ेगी। ये तीन प्रश्न हैं आज के और इन्हीं पर होगी आज की चर्चा। और मेरे साथ मेहमान कौन कौन है आइए आपका परिचय करा देते हैं। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, लंबे अरसे बाद हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा है, नेता जेडीयू के, उनका अभिनंदन है, प्रवक्ता है। मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ है, आम आदमी पार्टी की नेत्री हैं, प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, जोरदार तालियों से उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है और जनता जनार्दन आपका अभिनंदन है लोकतंत्र के इस महापर्व में। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। प्रियंका जी, प्रश्न पहला आपसे है, क्या बीच चुनाव में आम आदमी पार्टी पर यह जो थप्पड़ कांड है वो भारी पड़ रहा है, जिस तरह से बीजेपी इस पूरे विषय को उठा रही है, लगातार उठा रही है, क्या कहना चाहती है? देखिए, बीजेपी एक मुद्दाहीन पार्टी है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं था। अब स्वाति मालीवाल, उनको एक मुद्दा मिला। ये पार्टी जो प्रज्वल रेवन्ना को भगा दे देश से, जिसने 3000 महिलाओं का रेप किया, वो महिला सुरक्षा पर थोड़ी बात कर सकती है। आज देश के प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए महंगाई पे, जॉबलेसनेस पे। आईआईटी के 38% बच्चे हैं जो डिग्री लेकर घर पे बैठे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। देश मांग रहा है समाधान की। आपने कहा था 35 रुपए का पेट्रोल दोगे, आपने कहा था कि $1 1 रुपए का होगा, वो 85 का पहुंच गया। आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार दोगे, आप क्या करते हो? आप अपने ही लोगों को आतंकवादी, खालिस्तानी, आपस में मतभेद ये करते हो। क्या बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? कह रहे हैं मंगलसूत्र लेके भाग जाएंगे, एक गाय तुम्हारी, 2 गाय होंगी, 1 गाय तुम्हारी दे देंगे। ये एक्सपेक्ट करती है कि जनता प्रधानमंत्री जी से? बिल्कुल भी नहीं। देश चाहता है एक पढ़ा लिखा। बड़ा 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 वाजिब सवाल पूछा। मैं अगले 20 सेकंड आपको देता हूं, फिर गौरव भाटिया के पास जाऊंगा। क्या किसी मुख्यमंत्री के घर में एक महिला सांसद की पिटाई, क्या ये मुख्यमंत्री के घर को और मुख्यमंत्री को शोभा देता है? देखिए, पहली बात तो ये एक आरोप है। जब ये आरोप लगा है तो उसके साथ वीडियोस भी निकली हैं, जहां साफ दिख रहा है कि स्वाति मालीवाल जी अभद्रता कर रही हैं। जो विभव कुमार जी हैं, उन्होंने भी एक कंप्लेंट दी है। वो चाहती हैं कि निष्पक्ष जांच हो, हम भी यही चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो। निष्पक्ष जांच तो फिर जो लड़के ने कहा है उसकी तरफ से भी होनी चाहिए ना, कि ये कुछ हुआ ही नहीं। वो ये इनकी भाजपा की पुलिस ने अब तक FIR उस रात और शाम कुछ हुआ ही नहीं था। मैं कह रही हूँ या कुछ हुआ था, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। अब नहीं, आपको आप क्या कह रहे थे? पार्टी का वर्जन बताइए। मैं कह रही हूँ, दो वर्जन है इसके, एक विभव कुमार जी का, एक स्वाति का। स्वाति जी तो आराम से बैठ के एनआई पे इंटरव्यू दे पा रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। विभव कुमार जी को जेल हो गई है, विभव कुमार जी ने भी आरोप लगाए हैं, उस पे भी जांच होनी चाहिए। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं कि रायता उतना फैला नहीं है जितना बीजेपी फैलाने की कोशिश कर रही है। मुद्दा ही नहीं है इनके पास, मुद्दा नहीं है आप लोगों के पास। एक सेकेंड, देखिए, आपने रायते की बात कर दी तो सबसे पहले इसी से शुरुआत करता हूँ, जो पापी आपका आज की डेट में हाल है। मैं बेशरम झूठा पार्टी बोलना भूल गई। अब देखिए, आपके बीच में नहीं बोले, चल ही नहीं सकते। देखिए प्रियंका जी, आपके बीच में नहीं बोले, इतनी ईमानदारी रखिए, इतनी पेशेंस रखिए, वो आपके बीच में नहीं बोले। वो आपके, आपने भी बहुत बयान दिया, आपने 1.5 मिनट बोला। गौरव भाटिया, अरविंद केजरीवाल ने हर जगह फैला दिया है रायता, परेशानी ये है साफ करने में कोई नहीं कर रहा है सहायता। और मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों है। मैं इधर उधर की बात ना करें भाई, अच्छा रहेगा। आज जो मुद्दा है उसी पे बात होनी चाहिए। वो लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, रेप में बोल रहे थे। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, अरे लड़का है मेरा, लड़कों से गलती हो जाती है। स्वाति मालीवाल को 7-8 थप्पड़ ही तो मारे है, लात ही तो मारी है। आप सोचिए, आज ये पूछ रही है जनता। संजय सिंह का ये 14 तारीख की प्रेस वार्ता है जी। संजय सिंह ने यह कहा कि स्वाति मालीवाल जी के साथ जो हुआ यह बहुत गलत है और मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया है, स्वाति मालीवाल जी के साथ गलत हुआ है। आतिशी मार लेना आती हैं, यह 17 तारीख को कहती है, अमित जी स्वाति मालीवाल के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा, मेरी बहनें और माताएं बैठी हैं, उनके कपड़े नहीं फटे। तो मेरा पहला सवाल तो इनसे ये जाएगा, जब पूछिएगा समय पे, कि क्या किसी महिला के साथ अगर उत्पीड़न हो तो उसके कपड़े फटना क्या जरूरी है? ये कोई पैमाना है? ये क्या दर्शाता है? ये इनकी सोच दर्शाता है। इतनी नफरत, इतनी महिला विरोधी कोई पार्टी नहीं हुई है, सपा को पीछे छोड़ दिया है। तीसरी बात, मैं सबसे ये पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल
क्या प्रेस वार्ता करने लखनऊ विभव को नहीं लेके गए थे? आज वो एक आरोपी तो है। एक आरोपी चार्टर्ड फ्लाइट में मुख्यमंत्री के साथ जाएगा तो हमारी बहन स्वाति मालीवाल को न्याय कौन दिलाएगा? न्याय दिलाएगी भाजपा। और यही फर्क है भाजपा और आम आदमी पार्टी में। इनकी नेत्री सांसद और लड़ाई लड़ रहे हम। और मैं पूछना चाहता हूं, आपको याद है एक पत्रकार आपकी तरह निर्भीक, उसने कहा अरविंद केजरीवाल जी स्वाति मालीवाल पे तो बोलिए, तो ऐसे थरथर हाथ कांपे, माइक घुमा के कर दिया, लड़कों से गलती हो जाती है। और अखिलेश यादव क्या बोले? अखिलेश यादव ने बोला, शर्म आ जाएगी आपको, उन्होंने कहा और भी बड़े मुद्दे हैं हमें बात करने के लिए, महिला अस्मिता की कोई जरूरत नहीं है बात करने के लिए। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि बड़ा सीरियस मैटर है, महिला के साथ उत्पीड़न का मामला है, इसलिए केजरीवाल को बताइए भाई। जी जी जी, उनको सीरियस नहीं लगता? एक सेकंड, इसलिए इसके लिए हंसी ठहाके बाकी विषयों पे लग सकते हैं, लेकिन इस विषय को थोड़ा अवॉइड करें हम। ओके, बोलिए प्रियंका जी, क्या आपको लगता है कि संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, संजय सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गड़बड़ हुई, उत्पीड़न हुआ, लेकिन उसके बाद अब आप लोग कह रहे हैं कि दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि कपड़े नहीं फटे, क्या आपको लगता है आतिशी मारलेना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? मैं हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस ने तो अन्ना हजारे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, वो कांग्रेस को ले डूबी, कांग्रेस हेडक्वार्टर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और जो आतिशी मारलेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, क्या वो एक डिजास्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कहा गया एक औरत के कपड़े नहीं फटे इसलिए उसके साथ कुछ नहीं हुआ? इससे ज्यादा शर्मनाक, इससे ज्यादा निंदनीय, इससे ज्यादा निष्कर्ष कुछ हो नहीं सकता आजाद भारत के अंदर? हो सकता है अमित जी, क्या हो सकता है? अमित शाह जी ने स्नूपिंग कराई थी मानसी की, वो हो सकता है। इससे ज्यादा खराब ये हो सकता है कि प्रज्वल रेवन्ना को इन्होंने 3000 महिलाओं का रेप करने के बाद देश से भगा दिया, बहुत कुछ हो सकता है। प्रज्वल रेवन्ना को प्रधानमंत्री मोदी ने डिफेंड करा? बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह ने डिफेंड करा, कहां का? उनको पता था इन्होंने 3000 महिलाओं का रेप किया, उन्होंने वोट मांगे, क्या डिफेंड करा? पॉट पड़ा पड़ा हुआ, एक एक वोट, बीच में नहीं बोलना भी आपने कहा था, बेशरम झूठा पार्टी, बेशरम झूठा पार्टी ने कितने झूठ बोले, मैंने सुने। कट्टर भाईमान, गौरव बोले कट्टर भाईमान, पापी आप तो है, ये तो मानना पड़ेगा। लक्ष्मण की पार्टी तो ये भी है ना, तो है। अपने बुजुर्ग माता पिता को नहीं छोड़ा, बेशरम तो है, ये तो कहना पड़ेगा। देखो मेरे को पीड़ा हो रही है सर, सर सर मेरे को पीड़ा है, नहीं आपको पीड़ा है। 18 कंट्रीज में बैंड कोविशील्ड भारतीयों को लगवा दी इन्होंने, गोदरेज के रेफ्रिजरेटर नहीं बिक रहे, अरविंद केजरीवाल के मुंह में दही जमती है जब महिला के साथ जो है गलत होता है, आजकल उनकी डिमांड ज्यादा कर रही है। मेरा निवेदन स्वीकार कर प्रियंका जी, ये पूरा का पूरा मुद्दा प्रायोजित है भाजपा द्वारा, वो इससे साफ दिखता है कि जब अगर स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की सांसद नहीं, आप कह रही हैं आम आदमी पार्टी की सांसद, प्रायोजित बीजेपी कर रही है। देखिए इस बार षड्यंत्र का चेहरा वो बन गई बेचारी, इस जैसे जब वो थाने पहुंची, जब वो थाने पहुंची इतनी बुरी हालत में पहुंची कि उनके सर पर लगी हुई थी जैसा वो बता रही है, तो इनकी पुलिस, भाजपा की पुलिस ने जाने दिया थाने से? कैसी पुलिस है? महिला सुरक्षा नहीं करेगी पुलिस इनकी? ये सारा का सारा षड्यंत्र घर पे इनके रखा। आपने अपनी बात को रखा, आपने अपनी बात को रखा गौरव भाटिया, ये सारे सबके पीछे षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का है। देखिए मैं बता, क्या बीजेपी इसके पीछे है? अरविंद केजरीवाल, उनके माता पिता, इनके पीछे सबके पीछे भाजपा है। ये नहीं पढ़ेंगे कि स्वाति मालीवाल ने FIR में क्या लिखा है, ये अपने आप को वकील बताती है। एक दो लाइनें पढ़ देता हूँ, शायद चुल्लू भर पानी में डूब मत। हमारी पुलिस ने क्यों नहीं पढ़ी उस दिन? बीच में ना बोले, अब आप देखिए अमित जी, आप सुनिश्चित करिए वरना फिर मैं अपने समय में शांत। देखिए कहती है, ही स्लैप्ड मी 7-8 टाइम्स, ब्रूटली ड्रैग्ड मी एंड डेलिबरेटली पुल्ड माय शर्ट अप, मेरी शर्ट को ऊपर किया। ये क्या है, 7-8 बार मारा गया, कुछ नहीं करती। अब एक बात बताइए, क्लीन चिट देने के लिए इतनी आतुरता क्यों है? क्या एक मुख्यमंत्री को पहले विभव कुमार आपको निकाला जाता है? दूसरा, विभव कुमार अपना मोबाइल दो, वो वीडियो 8-10 मिनट का जो बनाया है पूरा जनता के बीच में आएगा। तीसरा, CCTV कैमरा 15 लाख दिल्ली में लगवाने वाले थे और CM हाउस का CCTV कैमरा ड्रॉइंग रूम में नहीं है। CCTV कैमरा है? उन्होंने बोला उनका निजी मामला है तो ड्रॉइंग रूम में नहीं था। अच्छा, वो विभव कुमार का, स्वाति मालीवाल का स्टेटमेंट आप देख लीजिए, 8-10 मिनट का वीडियो विभव कुमार ने बनाया है और उसके बाद फॉर्मेट कर दिया फोन। प्रियंका जी, मैं मानता हूं कि आप अपनी पार्टी का बचाव करने के लिए आई हैं और आप एक अच्छी अपनी पार्टी की प्रवक्ता है, लेकिन आतिशी जी का बयान मैं इसलिए बोल रहा हूं, और देखिए मुझे पत्रकारिता करते हुए कोई 1-2 साल 10 साल नहीं हुए हैं, मुझे 23 साल हो गए हैं, मैं फिर कह रहा हूं
जो आतिशी जी का बयान है, आतिशी जी ने अपनी पार्टी की लाइन फॉलो करी या खुद की लाइन फॉलो करी, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। एक कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिनमें उन्होंने अन्ना हजारे का नाम लिया था, बाबू राव अन्ना हजारे, मनीष तिवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उसी दिन तय हो गया था कि 2014 में कांग्रेस लौट के वापस नहीं आएगी। आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इतिहास में जाएगी, आतिशी जी की भी, और जो बयान दिया गया वो वाकई कतई सही नहीं। उसको क्लियर है बात कि अब मामला पुलिस के आगे, ये भी क्लियर है कि विभव कुमार की कोई रजिस्टर नहीं हुई कंप्लेंट उन्होंने दी है, ये भी क्लियर है कि विभव कुमार की कंप्लेंट के ऊपर भाजपा की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, ये मामला अब कोर्ट में जाएगा। पर मेरे को अब आपको एक बात आपकी जनता को क्लियर हो जानी चाहिए कि अब जो चुनाव आ रहे हैं भाजपा को कोई और मुद्दा मिल ही नहीं रहा, सिर्फ आरोप मिल रहे हैं। ये बताएं कि इन्होंने 7 सांसद हैं इनके दिल्ली में, इतनी पुअर परफॉर्मेंस थी कि सारे बदल दिए, ठीक है कि बदल दिए, पता है कोई वोट नहीं मिलेगा उनको, कोई काम नहीं किया उन्होंने। आप जान नहीं सकते, सच सुनना आपको पड़ेगा। अब इनके सांसद बदले गए क्योंकि या तो वो निकम्मे हैं या इनकॉम्पिटेंट हैं, ये असली मुद्दा है। ठीक है, ये असली मुद्दा आप कह रहे हैं, स्वाति मालीवाल असली मुद्दा नहीं है। स्वाति मालीवाल मुद्दा इनके लिए क्योंकि ये स्कूल हॉस्पिटल नहीं बना सकते, क्योंकि इन्होंने देश में सबसे ज्यादा महंगाई की। स्वाति मालीवाल के साथ गलत नहीं हुआ, महिला सुरक्षा मुद्दा नहीं है। स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ, और एक बात विभव कुमार के साथ गलत हुआ है, कोर्ट डिसाइड करेगा। एक सवाल मेरे मन में आता है, सत्यप्रकाश जी आप ही से पूछ लेता हूं, एक आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान आया कि ड्रॉइंग रूम में तो कैमरा नहीं है लेकिन बाकी पर्सनल जगह पे कैमरे हैं, मतलब सीसीटीवी कैमरा ड्राइंग रूम में नहीं होगा और बाकी जगह होगा, ये क्या बात गले से नीचे उतरती है? आपका समय देना अनुराग भदौरिया जी। नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल गले से नीचे नहीं उतरती है। आप अगर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी का इतिहास देखेंगे तो झूठ बोलने की लंबी फेहरिस्त है उनकी। पहली फेहरिस्त है कि बच्चों की कसम खाता हूं, ना कांग्रेस के साथ जाऊंगा ना बीजेपी के साथ जाऊंगा। जो व्यक्ति की नैतिकता में पतन हो चुका हो कि बच्चे की कसम खा रहा हो, उससे मैं किसी भी झूठ की उम्मीद करता हूं। पहला, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सब ले लिया, सुरक्षा नहीं लूंगा, चलिए ले लीजिए मुख्यमंत्री हैं आप, दिल्ली की तनख्वाह भी अच्छा लीजिए, दिल्ली का अच्छा काम तो करिए। कोरोना के समय बोला बहुत ऑक्सीजन है दिल्ली में, पर्याप्त मात्रा में है, निकला क्या फिसड्डी, नरेंद्र मोदी सरकार को ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी पड़ी। देखिए महोदय प्लीज, प्लीज महोदय, महोदय आप बहुत, महोदय महोदय ये डॉक्टर साहब बोलेंगे, वो पॉइंट्स बना रहे हैं, देखिए लिख रहे हैं, तब से लिख रहे हैं भाई, आपके वक्त में बोलिएगा, आपके वक्त में बोलिएगा, ये ठीक नहीं है। अमित जी 30 सेकंड और दे दीजिए, फिर डॉक्टर साहब लिख रहे हैं आज, कोई बाहर निकल कर आए, आप बोलिएगा अपने वक्त में, अपने वक्त में, अरे अपने वक्त में बोलिएगा, दूसरे का वक्त क्यों ले रहे हैं, ये अन्याय है आपकी तरफ से। तो आप समझिए, जो सरकार परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, अगर नरेंद्र मोदी सरकार ने 80 करोड़ को राशन देने की योजना बनाई, केजरीवाल सरकार ने राशन दिल्ली में रोक दिया, 30 सेकंड, केजरीवाल सरकार ने उस राशन को दिल्ली में रोका, नरेंद्र मोदी ने गरीबों की चिकित्सा की व्यवस्था करने के लिए आयुष्मान भारत योजना लागू किया नरेंद्र मोदी की सरकार ने, लेकिन केजरीवाल ने दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। और इतने अच्छे अस्पताल बनाए केजरीवाल सरकार ने कि जब कोरोना हुआ तो मनीष सिसोदिया इलाज करा रहे थे मैक्स में, इनके स्वास्थ्य मंत्री जो है सत्येंद्र जैन जो अभी जेल में है वो इलाज करा रहे थे मैक्स में, राघव चड्ढा का आंख में दर्द हुआ चले गए लंदन, केजरीवाल का जीव कटवाना था, वो खांसते थे ना बहुत, तो जीव कटवाने चले गए बैंगलोर। तो इतने बड़े झूठे ऐसे लोगों को सरकार इतना, मैं बताता हूं, 2011 में मैं इनसे मिला नहीं था, 5 अप्रैल 2011 को मैं स्वाति मालीवाल जी से जरूर मिला था जंतर मंतर पर, अरविंद केजरीवाल वही सड़कों पर लेटे थे, नई राजनीति की वकालत करने के लिए लोग कूदे थे, दिल्ली की जनता ने 20 करोड़ चंदा दिया, उसको धगा दिया। आप समझिए, किसी भी महिला, नहीं रुक जाइए मैं स्वाति मालीवाल पे आने वाला हूं, किसी भी महिला पर कोई हमला हो, अत्याचार हो, झुक करके पहले उस जांच को आगे बढ़ानी चाहिए, ना कि विभव कुमार को साथ लेके घूमना चाहिए। बीजेपी एनडीए करवा रहा नहीं, ये तो कहते रहते ना, ये तो सबको कहते जी, उसकी साजिश से पहले तो जांच कराने में बहुत आगे बढ़ते थे, अब जांच से भाग रहे, ठीक है ठीक है, रुक जाइए अभी रुकिए, ये सीसीटीवी का, ये सीसीटीवी का जाल बिछाने का दावा करने वाले, बेडरूम में अपने सीसीटीवी शीश महल में लगवाने वाले कह रहे हैं ड्रॉइंग रूम में सीसीटीवी नहीं है, एम्स का रिपोर्ट है, देश की सर्वश्रेष्ठ संस्था है, उसने एमआरआई किया होगा, सीटी स्कैन किया होगा, स्वाति मालीवाल पर अंदरूनी जख्म के भयंकर निशान है, ये एम्स का रिपोर्ट है। और एक बात और समझिए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी में थप्पड़ मारने का सिलसिला बहुत पुराना है, आजकल कपिल मिश्रा बीजेपी में है, लेकिन प्रशांत भूषण पर सामने वीडियो से मुक्का लेकर के वो कूदे थे, किसके इशारे पे, अरविंद केजरीवाल, ठीक है अरविंद केजरीवाल क्या करते नहीं है, ये गड़ा। अच्छा अनुराग भाई, आपको सीसीटीवी वगैरह का बड़ा आइडिया है, एक बात बताइए, ये सीसीटीवी बेडरूम में लगता है ड्रॉइंग रूम में नहीं लगता है? देखिए, जो
घटना अभी तुरंत घटी, आपने देखा होगा, बीजेपी के प्रवक्ता एक हमारी साथी महिला बगल में खड़ी है, कह रहे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, मर जाएगी। ये क्या वर्ड होता है महिला के लिए, जाएंगी बोल दीजिए, थोड़ा सम्मान कर। महिला नहीं है वो, हमारी बहन है। आप बताइए, अरे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। मैं बीच में नहीं बोला, देखिए एक मिनट दीजिए, वो पूरा कर दे, मैं आपको मौका दूंगा, आपको रिवर्टर का मौका दूंगा। प्रूफ कर रहा हूं ना, महिला हमारे बगल में, हमारी सुने, आप इसलिए चिल्ला रहे हैं, इसलिए तो कर रहे हैं क्योंकि ये फंस गए। आपके बीच में नहीं बोला गलत बात है अमीश जी, आप अन्याय करते हैं, ये ठीक है। आपको गुस्सा भी आ रही थी स्वाति मालवाल जी के साथ जो गलत हुआ है, उस जिसने भी गलत किया है जांच की रिपोर्ट आएगी उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये बताइए, मेहलवान पहलाओं को यहाँ इस देश के अंदर में पार्लियामेंट के 500 मीटर पे घसीटा गया, तब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? वो देश के लिए मेडल जीत के आई थी, मैं जानता आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। मणिपुर की बेटियां किस तरह से उनको निवस्त करके घुमाया गया, एक सैनिक ने बोला कि मैं अपनी देश की रक्षा कर पाया लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, तब आपके मुंह में दही जम गया था, तब आप क्यों नहीं बोले थे? बीएचयू में आपके आईटी सेल के लड़के बच्ची को छेड़ते हुए अन्याय करते हुए पकड़े गए, जब उनके पास अन्याय हुआ तब आप क्यों नहीं बोले? आपने नहीं, मैं पूरी बात नहीं, पूरी बात महिला की बात है, महिला की बात है, लेकिन एक बात बताइए, स्वाति मालीवाल के विषय पर नहीं बोलना चाहिए? बात मैंने क्या बोला? मैंने पहले ही बोला देश की किसी भी बेटी के साथ अन्याय होगा यहाँ इस दिल्ली के अंदर में पुलिस भारतीय जनता पार्टी के पास है, आप उस पर जो आपको कहीं भी अगर कुछ भी होगा, क्या बात करते हैं आप, देश में महिला के ऊपर अन्याय होगा तो उसके उसका मुद्दा मत बनाइए, उसका उसको न्याय दिलाइए। पुलिस तो जांच ही कर रही है। हाँ तो जांच कर, तो तब चिल्लाइएगा ना, तो उसके पहले क्यों चिल्ला रहे हैं आप? चिल्लाने तो देखा आप चिल्लाए, अरे आप तो उनके भी चिल्लाए थे ना, ये जो बगल में खड़े हैं आपके बीजेपी प्रवक्ता रोज एक फोटो लेके आते थे, ये देखिए गायत्री प्रजापति हैं, देखिए ये देखिए समाजवादी पार्टी से आते हैं, बाद में पता चुनाव हारने लगे अमेठी में तो उन्हीं को पत्नी को लेके, उनकी पत्नी को लेके वोट मांगते घूम रहे हैं, जब मैंने उनको टिकट दिया था, सांसद बनाया था, यही व्यक्ति चिल्ला कर रहा था कि आपने उनकी पत्नी को टिकट, उनकी पत्नी को टिकट क्यों दिया, आज उनकी जरूरत पड़ गई आपको। गौरव भाटी, गौरव भाटी, पहली तस्वीर ने लगा दी है आग, ये जल पड़े हैं, अब दूसरी तस्वीर क्या है, सरकार में थे मुख्यमंत्री, आधे मुख्यमंत्री कहते थे, तो 200 रुपए की टोटी सरकारी बंगले से चुरा के भागे थे, भैया कौन इनको वोट देगा आप बताओ मुझे, कोई नहीं देगा। मुद्दों पे बात करनी है, वोट जिहाद बोलते हो तुम, हिंदुओं को दर्द नहीं होता है, हमारी अस्मिता नहीं है, और सुनिए भव्य राम मंदिर का नक्शा बिगड़ा हुआ है, अरे नक्शा तो आपके भेजे का बिगड़ा हुआ है, और अभी 4 जून आने दीजिए, पूरा साफ हो जाएगा, तीन सीट की पार्टी है वो, और ये है जीरो, तीन और मैं जीरो, प्रियंका जी के पास जा रहा हूँ, लेकिन उसके बीच आप लोग भी कुछ अपनी बात को रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। आप क्या कहना चाहती हैं, बोलिए। मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहती हूँ, बात को रखिए, बोलिए। मैं एज अ फीमेल वोटर आपको क्यों वोट दूं, बीजेपी को वोट ना देके, एक जगह वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे पॉलिसीज ला रहे हो, और एक तरफ आप है कि अपनी पार्टी को बचाने के चक्कर में आप ये तक नहीं बोल पा रहे कि स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमारे देश में महिलाओं के साथ इतना गलत होता है, आखिर वुमेन एम्पावरमेंट पे कोई कदम क्यों नहीं उठाया जाता? ये पॉइंट आपका अच्छा है, ये सब नेताओं से सवाल है, पॉइंट ये है कि क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकली आप बीजेपी पे कुछ भी ब्लेम करें, लेकिन स्वाति मालीवाल के विषय पर आपके सांसद संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद ये मामला सार्वजनिक हुआ, उससे पहले तो कहीं सुनी बात थी, उसके बाद ये मामला सार्वजनिक हुआ, या तो संजय सिंह तब झूठ बोल रहे थे या आम आदमी पार्टी अब झूठ बोल रही है, झूठा कौन है, इन एक को चुनना पड़ेगा। हमने सीसीटीवी लगवाए पैरिस से ज्यादा, इनके एलजी इनके एलजी के घर में बैठ के थप्पड़ पड़ा, वहां सीसीटीवी नहीं है, ये थप्पड़ आपको भाजपा ने रखवाया है। प्रियंका, लेकिन जो प्रश्न जो ठीक, मेरा जो सवाल था उस सवाल का भी जवाब दीजिए, या तो संजय सिंह गलत है या पार्टी अब आपकी गलत बोल रही है। मेरी पार्टी एकदम कट्टर ईमानदार पार्टी है, उस टाइम तक जो वीडियोस बाद में सामने आई जिसमें स्वाति मालीवाल कह रही है गंजे मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगी, जिसमें स्वाति मालीवाल कह रही है तो कुछ तो बोलेगी वहाँ पर, नहीं बोल रहे, बाकी सब आराम से बात कर रहे हैं, उनको
बीच में महिला होकर के इस तरह की बात कर रही है। प्रोग्राम ऐसे ये है कि प्रियंका कक्कड़ जी के साथ भी कभी आम आदमी पार्टी है हरकत करेगी तो हम ही लोग लड़ेंगे इनके साथ। मैं आपको बता रही हूँ अगर आपके साथ भी ऐसा होगा तो बीजेपी मतलब एनडीए खड़ा रहेगा। आप मेरी चिंता मत छोड़ दीजिए, आपकी पार्टी जिसको आप सहयोग कर रहे हैं। सर 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 आपको तो बुला भी नहीं रहे आजकल स्टेज पे प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार जी को। सुनिए, भाजपा ऐसे गुंडे मवालियों की पार्टी है कि बर्नार्ड मारक जैसे इंसान को जो बच्चों का वेश्या घर चलाता है उसको मेघालय में टिकट देती है। भाजपा ऐसी गुंडे मवालियों की पार्टी है कि जहां महिला उत्पीड़न ब्रजभूषण जनता पार्टी है, ये प्रज्वल रेवन्ना की पार्टी है, ये सच है सब। आप जो मर्जी बोलेंगे, बेशरम झूठा पार्टी है भाजपा। इनको महिलाओं से कोई मतलब नहीं। देश की एथलीट महिलाओं को बैठना पड़ा था 6 महीने की एफआईआर हो जाए। भाजपा ने दिल्ली पुलिस भाजपा की है, भाजपा ने 1 मिनट में एफआईआर करवा दी जब करनी थी। संजय सिंह ने गलत बोला या आम आदमी पार्टी अब गलत बोल रही है, ये प्रश्न मैं चौथी बार रिपीट कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है ऑडियंस भी जवाब चाहती है। हाथ खड़ा करें जो जवाब चाहते हैं इस बात का, आप इसका जवाब दीजिए प्लीज। मेरी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। उनको जैसे ही पता चला, उन्होंने स्वाति का पक्ष सुना, उन्होंने आकर एक प्रेस वार्ता करी। कपिल शर्मा शो चल रहा है क्या, मजाक करना चाह रहे हैं? वीडियो बाहर नहीं आई थी तब तक, ये वीडियो बाहर नहीं आई थी। जब वीडियो बाहर आई हमने भी एक कंप्लेंट दी। भाजपा की पुलिस से आग्रह है कि विभव कुमार की कंप्लेंट पर कुछ किया जाए। कंप्लेंट तो विभव कुमार ने भी दी है, तो उन पे कंप्लेंट पर भी दिल्ली पुलिस कार्य करेगी। जवाब जो कभी संभव नहीं हुआ, महिला आरक्षण, जब लोकतंत्र का नया मंदिर बना, कौन लाया संविधान का संशोधन करके वो बिल? नरेंद्र मोदी जी। महिलाओं को आगे प्रधानमंत्री बने, उच्च पदों पे रहे, संवैधानिक पदों पे रहे, ये सुनिश्चित किया है नरेंद्र मोदी जी ने। 11 महिला मंत्री कैबिनेट में हैं, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 11 करोड़ गैस के सिलेंडर नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं। 12 करोड़ शौचालय, जो कि अस्मिता से जुड़ा मामला है, नरेंद्र मोदी जी ने दिया। अब मैं एक बात पूछूंगा, आप मुझे ये बताइए, और ये प्रश्न वो गूगल कर रही है, गूगल कर ले। वैसे अगर विभव कुमार ने कंप्लेंट दी है तो 156(3) क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आप न्यायालय जा सकते हैं और एफआईआर करा सकते हैं। लेकिन ये झूठे अरविंद केजरीवाल के वादे हैं, सुनिएगा। मैं 500 नए स्कूल दूंगा, कितने दिए? 20 नए कॉलेज दूंगा, शाम शाम स्कूल 22,000 स्कूल कहता है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल बेस्ट है कंट्री में। कितने स्कूल दिए? 22,000 नए स्कूल, नई स्कूल, स्कूल बताए ना, 22,000 स्कूल। हाँ सुनिएगा, और उसके बाद देखिए यहाँ कितने स्कूल बताइए। अरे वो छोड़िए, आप हमें छोड़िए, अपना बताइए। देखा देखा, फंस गए। एक स्कूल नहीं बनाया इस भ्रष्टाचारी ने, एक स्कूल चिल्लाते रहे। चिल्लाओ चिल्लाओ अरविंद केजरीवाल आ गए क्या? अरविंद भैया क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं दे रहे हो, बच्चों को टॉयलेट में पढ़ाते हो, कहते हो क्लासरूम है, अपने बच्चे को पढ़ाओगे टॉयलेट में? अरविंद केजरीवाल, लेकिन उन्होंने देखिए, हाँ मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। आपने पूछा नहीं कितने स्कूल दिए। मुझे यहां से जाना पड़ेगा, मुझे पब्लिक के बीच में आना पड़ेगा भाई। दिल्ली का दंगल हो या देश का चुनाव, दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इस चुनाव के अंदर हमने सब कुछ देखा है, लेकिन अंत में बाजी आपके हाथ में है। इसलिए अपना वोटिंग आईडी कार्ड तैयार रखिए और वोट जरूर जरूर डालिए। आप सब